हेलो गाइस रिदम लॉ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं द प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट 1988 की दिल्ली और सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज पास्ड एज फ्रेंड्स 1988 का एक्ट है और कौन सा नंबर है फोर्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए

फ़र्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन 9 नाइन 1988, सेप्टेंबर नाइनटीन 1988, एट फर्स्ट सेप्टेंबर नाइनटीन ऐटी एट नाइन्थ जनवरी नाइनटीन एट फ्रेंड्स एनफोर्स हुआ था नाइन्थ सेप्टेंबर नाइनटीन एटी एट में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है और ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले नेक्स्ट देखते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट वॉज इनैक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ए टू कंसॉलीडेट अमेंड एंड डिफाइन द लॉ बी टू कंसॉलिडेट एंड अमेंड द लॉ सी बोथ ऑफ द एबव डी नीदर ए नॉर बी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट का ऑब्जेक्टिव था जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और इससे रिलेटेड मैटर्स के लॉ थे उन्हें कंसॉलिडेट करना और अमेंड करना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नेक्स्ट देखते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वाज अमेंडेड इन 2014 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2015, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014, सी द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, डी नन ऑफ द एबव और ये अमेंड किया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेस्ड टर्म दी गई है और कहाँ पर डिफाइंड है ए इलेक्शन टू ए में डिफाइंड है करेक्ट है ये पब्लिक ड्यूटी टू बी में है ये भी करेक्ट है सी पब्लिक सर्वेंट टू सी में है ये भी करेक्ट है डी ऑल ऑफ दी एबव फ्रेंड्स ये तीनों सही हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी एबव साथ में याद रखिए इस एक्ट में सेक्शन टू में तीन टर्म ही डिफाइन की गई हैं इलेक्शन पब्लिक ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट टू ए टू बी और टू सी में तो आपको तीनों याद रखनी है तीनों डेफिनेशन अच्छे से देख लें फ्रेंड्स पब्लिक सर्वेंट का पूरा अच्छे से पढ़ लें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एक्ट हैज़ डिफाइंड द टर्म इलेक्शन एज इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन ऑफ लोकल और अदर अथॉरिटी डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज साथ में हम देख ही चुके हैं कहाँ पर डिफाइंड है टू ए इलेक्शन टू ए में डिफाइंड है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट A any person in the service or pay of a local authority is a public servant B a minister or chief minister is a public servant C any arbitrator is a public servant D a mere contractor is public servant फ्रेंड्स इसके लिए आप 12. सेक्शन 2C में दिए गए हैं सारा अच्छे से देख लें दोनों एक्सप्लेनेशन पढ़ लें यहां पर करेक्ट आंसर है डी मियर कॉन्ट्रैक्टर पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया डी बोथ बी एंड सी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक ड्यूटी मींस ए ड्यूटी ए इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ इंटरेस्ट बी इन द डिस्चार्ज ऑफ डेली यूनियन टेरेटरी The public or the community at large has an interest C, not in the discharge of Delhi and NCR region, but in whole territory of union territories. The public or the community at large has an interest D, both A and C. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड्स हम तीनों डेफिनेशंस देख चुके हैं इलेक्शन पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट तो तीनों अच्छे से याद कर लें यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एन इंटरेस्ट करेक्ट आंसर इज ए हु कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एनी जज और मजिस्ट्रेट बी सेशन जज सी ओनली स्पेशल जज डी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेक्ट आंसर इज सी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लिया जाता है केवल स्पेशल जजेस के, के द्वारा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स ये कहाँ पर दिया गया है कौन से सेक्शन में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रोसीजर इज एडॉप्टेड बाय द स्पेशल जज वाइल ट्राइंग ए केस अंडर द एक्ट ए एज ए वारंट केस अंडर सी आर पी सी बी एज ए समन केस अंडर सी आर पी सी सी स्पेशल प्रोसीजर दी ऑफ द एबव फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है एज ए वॉरंट केस अंडर सी आर पी सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए साथ में आप सेक्शन भी याद रखिएगा दिया गया है सेक्शन सिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल जज अंडर दी एक्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बी सेशन जज C एडिशनल सेशन जज D असिस्टेंट सेशन जज फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा A चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सी जे एम क्वालिफाइड नहीं होता है स्पेशल जज अपॉइंट होने के लिए करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे दिल्ली ए पी पी और सीबीआई एपीपी ए पी पी में आने वाले अदर एक्ट्स जैसे आईटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन सेंट्रल विजिलेंस दिल्ली स्पेशल पुलिस इनकी एनफोर्समेंट डेट्स की क्वेश्चन बनेगा कंफर्म यहाँ से कुछ हम देख चुके हैं रिविज़न भी हो जाएगा फर्स्ट है द आईटी एक्ट 2000 थाउजेंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 थाउजेंड एनफोर्स हुआ था सेवनटीन अक्टूबर 2000 को नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभी हमने बात की है 9 सितंबर विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 फ्रेंड्स हम ये देख चुके हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट और ये आया था 19 नवंबर 1946.